बादल तो मैंने कभी नहीं देखे। वीनू, इस वक्त हम आसमान में हैं, बादलों से बहुत ऊपर, सिर्फ मैं और तुम। ऐसे लगता है जैसे कोई सपनों की दुनिया है। है भी मेरे सपनों की दुनिया, मेरी एयरफोर्स की जिंदगी, जिसमें ना रफ्तार की कोई बंदिश, ना उड़ान की कोई सीमा। धरती हमारी, आकाश हमारा, एयरफोर्स मेरे रगों में है, मेरे खून में। मैं? तुम मेरे हर सांस में हो, हर धड़कन में। अब तुम बहुत ऊपर आ गए हो और रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। यानी आसमान पर पहुंचने के बाद जमीन पर उतरना पड़ेगा। ऑल राइट मुखिया जी और बरादरी के लोगों, आज इस पवित्र त्यौहार पर आप लोगों की कृपा से मैं अपनी बेटी चंपा की मंगनी करना चाहता हूँ, और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ वो मैं हूँ। 1000 देने की हिम्मत है? 1000 बिना मोल भाव किए चार आने की भाजी नहीं खरीदता, ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 200 लोगे? 200? अरे मंगलू, तू भी तो शादी करना चाहता, बढ़ ना कुछ। शाबाश, सत्यानाश। 1000? अरे साहब, आप इतने बड़े ऑफिसर होकर मेरी लड़की से शादी करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तुम अपनी बेटी को लीलाम मत करो, उसकी शादी टिकराम से हो जाने दो, जिसे वो चाहती है। क्यों री, तू इस उल्लू को चाहती है? हाँ बापू। उल्लू के ससुर जी, जी जल्दी से फैसला कर दो, वरना मेरे साहब खपा होके चल जाएंगे, फिर 500 पर ही टापते रह जाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो, बात तो पक्की हो गई है ना? मुखिया जी और बरादरी के लोगों, आज मैं अपनी बेटी की सगाई श्री टीका राम जी से पक्की करता हूँ। अब इस खुशी के मौके पर अपने रीति रिवाज के अनुसार सब लोग लुगड़ी के 4-4 घूंट अपने गले के नीचे उतारो। बाबूजी, शुरुआत आपसे कीजिए। अरे चपड़ घंचू, साहब को लुगड़ी, साहब अंग्रेजी पीते हैं अंग्रेजी। लीजिए साहब, लीजिए साहब। ये क्या, तो तुम शराब पियोगे? दीदी आज आप कुछ न बोलिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, रीति रिवाज की बात है। साहब नहीं पियेंगे तो बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। हाँ बिरादरी वाले नाराज हो जाएंगे, आप तो पीनी पड़ेगी। लाओ लाओ सिगारा, मेरी बोतल भी दे दो। बाबा कंटक भगवान की जय, हिमालय पर्वत की जय, हिमालय पर्वत की जय, घंटी देवी की जय, मेरी देवी की जय। साहब आपको तो चढ़ गई है, ये जीप तक छोड़ा हूँ। कहाँ? जीप तक। हाँ आइए दीदी, चलिए चलिए। अरुण तुम गाड़ी तक चल सकोगे? चल सकते हो, मैं तो उड़ सकता हूँ। हाँ साहब आप उड़ जाइए, मैं भी अपने चंपा के पास उड़ कर जाता हूँ। उड़ के चलो। क्या हुआ? अगर मालूम होता कि तुम शराब पीकर इस तरह बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। अरे वीनू तुम खाम का घबरा रही हो, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। देखो डार्लिंग मेरे पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम नशे में हो। डार्लिंग डार्लिंग, नशा शराब का नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी आंखों का। मत छुओ मुझे। अरे वीनू मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो वीनू मेरी बात तो सुनो। वीनू रुक जाओ, अरे वापिस आ जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से कूद के अपनी जान दे दूंगा। दे दो अपनी जान, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है जाता हूँ, बाद में पछताना ना।
मैं यहाँ से कूद पड़ूंगी। कूद पड़ो। बड़े अफसोस की बात है, तुमने मुझे इतना खराब समझा, चाय के पानी को शराब समझा। अरे पी के देखो पानी है, ये तुम्हारी टीकाराम का आइडिया। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी तो जान निकल गई थी। ए, मेरी जान तो तुम हो, तुम समझती हो मैं उसे इतनी जल्दी निकलने देता। अभी तक मेरी सांस तेज चल रही है, आइंदा कभी ऐसा मजाक नहीं करना। नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये मजाक ना करता तो ये रूप देखने को कहां से मिलता, और वो गुस्से का रूप जिसकी लाली देखकर सुबह की हर कड़ी खिल उठती। जा। यहाँ के देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील, बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। कमाल है, वे तो फौरन इसी वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। सदा सुखी रहो, भगवान भोलेनाथ जोड़ी बनाए रखे। जय शंकर। पंडित जी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, ये भगवान शंकर का मंदिर है, इनके चरणों में सौगंध खाकर माला पहना दोगे तो सदा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। पंडित जी अभी आया, जरा दोहार देना था। लो बेटा, माला एक दूसरे को पहना दो। फोटो खिंचवा लो, एक रुपए में, एक मिनट में, एक कॉपी। आइए। क्या ख्याल है, हो जाए? आइए। हाँ, एक दूसरे को जरा मोहब्बत से देखते रहिए। ये देखिए, ये लीजिए। वाह चाचा, फोटोग्राफ तो बहुत ही फर्स्ट क्लास है। फोटोग्राफर भी तो बहुत अच्छा है साहब, 40 बरस का तजुर्बा है, दुनिया ने उसकी कदर नहीं की। वाह चाचा, तुझे तो छा गए जी। ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए, ये हार भी लीजिए। थैंक यू। एक बार फिर मंदिर आएंगे और अपने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाएंगे। क्या बच्चे के साथ, यानी बेटे के साथ? देखना, पहले बेटा ही होगा हमारा। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, सभी की शादी होती है, सभी के बच्चे होते हैं। पहले शादी तो हो जानी तो। हो गई ना, देखो ना, मंदिर में भगवान के सामने तुमने मुझे हार पहनाया, मैंने तुम्हें पहनाया, और दिल से तो एक दूसरे को उसी दिन हो गए थे जब पहली बार मिले, है ना? लो वंदना। जवाब दो। ए
ऐसे नहीं, जोर से। जोर से? मैं तुम्हारी बड़ा अजीब आदमी है, कितनी बकवास करता है। सर्दी लग रही, एक गीला निकाल, कंबल देता हूं, बदल लो। अरे बदल भी लो ना, तुम्हारे सामने तो मैं चला जाता हूँ। जाओ ना। अरे बाबा जाता हूँ, लेकिन डांटती क्यों हो, जरा प्यार से तो बोलो। कमाल है, ये लकड़ियां जला दूं, सर्दी भी कम हो जाएगी, कपड़े भी सूख जाएंगे। वंदना, क्यों जला दी जी? अंधेरा अच्छा नहीं लगता। कहाँ है अंधेरा, तुम जो हो। हटो, आज 3 दिन हुए हैं हमको आए हुए, अभी तक तुम्हारी शायरी खत्म नहीं हुई। अभी तो शुरू हुई है मेरी शायरी। ये गुलाबी मौसम, ये बरखा की रिमझिम, और मेरी बाहों में तुम, जी चाहता है शायरी करता ही रहो। बीनो, बीनो, इतनी परेशान क्यों, क्या सोच रहे? अब मैं बाबा के सामने कैसे जाऊंगी? क्यों, हमने कोई पाप नहीं किया? नहीं अरुण, हम अपने होश खो बैठे, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अपने ऊपर काबू रखना चाहिए था हमें। बीनो, भावनाओं की आंधी में इंसान कभी कभी बह जाता है, हम भी बह गए, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हम ईश्वर के सामने एक दूसरे के हो चुके हैं, पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन जब तक दुनिया के सामने शादी नहीं होती। हो जाएगी, देखो ना, कल सुबह मैं मथुरा चले जाऊंगा, चाचा चाची को लेकर परसों शाम को वापस आ जाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर शादी, छुट्टी। मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। चलो बीनो, कितनी अजीब बात है, कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, और कुछ ही दिनों में 2 से 1 हो गए, और अब कुछ ही दिनों में 3। जाओ। नाम क्या रखोगी? जब होगा तब सोचूंगी। सूरज कैसा नाम है? लड़के के लिए तो बहुत अच्छा नाम है। पहले लड़का ही होगा, उसके पैदा होते मैं हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, ताकि ताकि बड़ा होकर वो भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने, बहुत बड़ा पायलट। ये सपना मेरा है, पूरा तुम्हें करना होगा, करोगी ना?
और सुनो, वहीं से अपनी शादी की तारीख भी पक्की करते आना, क्योंकि तुम्हारी खोई खोई नजरें, ये बेचैन हालत अब उनसे बर्दाश्त नहीं होती। और सुनो यार, यार वो दिल्ली से कुछ पापड़ लेते आना, स्टॉक खत्म हो गया। ले आऊंगा ले आऊंगा। अरे वंदना, आप यहीं बैठे रहिएगा, आपकी नमस्ते मैं कह दूंगा। अभी से हालत है बेटे? शाम सलाम। सलाम। अरे तुम सुबह सुबह इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? तुम दूर जा रहे हो ना? सिर्फ दो दिन की तो बात है, आज और कल। परसों आ जाओगे जरूर? हाँ, और चाचा जी को लेकर सीधा तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये दो दिन क्या करूंगी मैं? जब तक मैं नहीं आता हूं इसी से प्यार कर लेना, हमारी शादी की तस्वीरें। चलो देर हो रही, बाय। पीना क्या बाकी रहा दीदी? कुछ नहीं, तुम अभी गेट के पास खड़ा हो जाओ, जैसे वो लोग आते हुए दिखाई दे मुझे फौरन आके बता देना। हेलो बेटी, सब इंतजाम हो गया? सब हो गया। मुझे जरा आने में देर हो गई। तुम मुंह हाथ धो लो, वो लोग आते ही होंगे। अच्छा। दीदी वो आ गए। आ गए? जा बाबा से कह दे जल्दी। मदन जी आप? वो लोग नहीं आए? वो लोग नहीं आ सके। क्यों? मैं एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर? क्या बात है मदन? अरुण का ब्रेन क्रैश हो गया है। हाँ? उसकी हालत बहुत सीरियस है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। आप लोगों को मैं लेने आया हूँ। चलो बेटी। डॉक्टर साहब चीज बंदना होश में आते उसने आपसे ही मिलना चाहा, इसलिए मैं सिर्फ आपको ही मिलने की इजाजत दे सकता हूँ। आप लोग यहाँ ठहरिए, आइए। लेफ्टिनेंट अरुण, वंदना जी आ गई हैं। आप इनसे सिर्फ दो मिनट बात कर सकती हैं। सिस्टर कम। अरुण, अरुण, लो मत। जब मेरा हवाई जहाज नीचे आ रहा था मुझे ऐसे लगा अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकता। मौत मेरे सामने थी और मैं जिंदा रहना चाहता था तुम्हारे लिए, हमारे बेटे के लिए। वीनू, मेरा सपना याद है ना? तुम्हें पूरा करना होगा, उसे भी पायलट बनाना होगा। बनाओगी ना? अब तुम बात मत करो, चुपचाप आराम करो। पहले पहले बेटा ही होगा हमारा, मगर मैं उसे देख ना सकूंगा। कैसी बातें करते हो तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। ये काली सी परछाई किसकी? अरुण। काली सी परछाई अरुण।
बेनू। हारून, तुम्हारे बाबा कहाँ है? बाहर है, मदन के साथ। उन्हें बुलाओ। बात मत करो अरुण। बेनू, मुझे उनसे कुछ कहना है। अभी नहीं, बाद में। मेरे पास शायद ज्यादा वक्त है। नहीं, ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे उनसे कहना कि हमारी शादी हो चुकी है मंदिर में भगवान के सामने। फिर कभी कहना, पहले तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। शायद बिनु बाद में मौका नहीं मिले। बुलाओ, बिनू जाओ। जाती जाओ, मेरे पास वक्त नहीं। जाओ जाओ, जाओ। पापा! क्यों, क्या हुआ बेटी? कहो बेटा, बोलो क्या है बेटा? क्या है बेटा, बोलो बोलो क्या है, बोलो अरुण बेटा, बोलो क्या है? अरुण चलो, अरुण बोलो बेटा, अरुण अरुण इस तरह से रो रो कर आप अरुण की याद को बहुत सस्ता बना रही हैं। वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट था जिसकी जिंदगी हमेशा मौत के साए में पलती है। शायद आपको पता नहीं, अरुण ने अपने फर्ज के खातिर जानबूझकर मौत को गले लगाया। वंदना जी, ऐसे आदमी की मौत पे आंसू नहीं बहाए जाते, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आपने ठीक कहा मदन जी, आज के बाद कोशिश करूंगी मेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी आंसू ना आए। यहाँ के देखने लायक जगहों में ये झील सबसे अच्छी है। अच्छा, इसे आशा झील कहते हैं। आशा झील, बड़ा अजीब नाम है। कहते हैं इसमें पैसा डालकर मांगने से हर आशा पूरी हो जाती है। अरे कमाल है, फिर तो फौरन इस वक्त मांगना चाहिए। तुमने क्या मांगा? मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया है। तू कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। देख बेटी, मन को जलाने से दुख दूर नहीं होता है, दुख को तो कोशिश करके भुलाना पड़ता है। बाबा, मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो बेटी, कहो ना। ये क्या अंधेरा क्यों कर दिया? उजाले में कह नहीं सकूंगी। ऐसी कौन सी बात है? बाबा, मैं मां बनने वाली हूं। वंदना, तू मां? रो मत वंदना, कल सुबह हम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाएंगे। कहाँ? कहीं भी, किसी दूसरे शहर में। तुम्हारी बदनामी ना हो, उसका ये एक ही उपाय है। फिर एक महीने में, डेढ़ महीने में वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। देखो वंदना, जो भूल तुमने की है उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। नहीं बाबा, मैं इसे भूल नहीं कह सकती, इसी के लिए तो जीना है मुझे। अरे ये तू क्या कर रही है पगली? एक कुमारी लड़की के बच्चे को समाज कभी नहीं स्वीकार करेगा, उसे नफरत की नजर से देखेगा।
और अरुण के साथ जब तेरी शादी नहीं हुई तो बाबा शंकर भगवान के सामने, लेकिन दुनिया वालों के सामने नहीं हुई, इसलिए दुनिया इसे कभी नहीं मानेगी। लोक लाज का, रीत रिवाज का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है, जिसमें न लोगों का डर है न लोक लाज की परवाह। तू होश में नहीं है वंदना, कल जब तेरा बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसे ताने देंगे, तुझ पर उंगलियां उठाएंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा ही बच्चा तुझसे आकर पूछेगा कौन है मेरे पिता, तब क्या जवाब देगी? बाबा। नहीं बेटी, एक गलती को निभाने के लिए दूसरी गलती नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तेरी भलाई के लिए, चल कल ही हम लोग यहाँ। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक जिंदा रहूंगी उनकी आराधना करती रहूंगी, और उसके लिए हर मुश्किल हर मुसीबत का सामना करूंगी। ठीक है बेटी, तुझमें जब इतनी हिम्मत है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो हमेशा तेरी मदद करें।